हेलो डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स दिस इज लेक्चर नंबर फोर एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ ई एम एफ कैन बी इंड्यूस बाय रोटेटिंग अ रोड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लास्ट वीडियो में भी हमने मोशनल ई एम एफ के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एक कंडक्टर को अगर परपेंडिकुलरली मूव करें मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें ई एम एफ इंड्यूस हो सकते हैं आज हम बात करेंगे रोटेटिंग द रोड कंसेप्ट की जब भी आप किसी रोड को कंडक्टिंग रोड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हो तो ऐसा देखने को मिलता है कि उसके एंड्स पर ई आपको मिल जाएगी देखो कैसे जस्ट इमेजिन अ मैग्नेटिक फील्ड इन वर्ड लाइक दिस तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड बना लोगे कुछ ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म है नोट चेंजिंग है अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रोड को प्लेस किया और ऐसा बोला कि इस रोड को हम रोटेट कर रहे हैं अलोंग सर्कुलर पाथ इस तरह से ठीक है मैं यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता हूँ राइट इमेजिन की जो रोड की जो लेंथ है टोटल टोटल लेंथ कितनी है बच्चों एल राइट right? टोटल लेंथ है एल अब एक चीज को समझने की कोशिश करना इस पूरी लेंथ के ऊपर अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लू यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं मैं डीएक्स इस पूरी रोड के ऊपर मैं छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं dx जो कि सेंटर से x दूरी पर है इस रोड को अगर मैं बाहर निकालू दो मिनट के लिए आप एक चीज नोटिस करना अगर ये सर्कुलर मोशन में है रोड, राइट सर्कुलर मोशन में जो ये वाला कॉम्पोनेंट है अगर मान लो यहां मा वेलोसिटी क्या होगी वी वन इसकी वेलोसिटी क्या होगी सामने की तरफ वी टू इसकी वेलोसिटी क्या होगी वी थ्री इसकी वेलोसिटी क्या होगी वी फोर राइट सेंटर से इसकी दूरी कितनी है आर वन दूसरे वाले की दूरी कितनी है आर टू तीसरे वाले की दूरी कितनी है आर थ्री चौथे वाले का जो डिस्टेंस है वो क्या है आर फोर और आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में आप इसको देखिए जरा सर्कुलर मोशन में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा अगर मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो कंसेप्ट क्या आर ओमेगा अब एक चीज और बताता हूँ एक्चुअल में ये बात ऐसे है ओमेगा इज इक्वल टू तो वी परपेंडिकुलर बाय आर मुझे एक्चुअल में वो वेलोसिटी चाहिए जो आर के परपेंडिकुलर हो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये x ले रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि जो सामने की तरफ वेलोसिटी होगी इसकी वो क्या होगी v और v जो है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू r तब जाकर मैं बोल सकता हूं v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा अच्छा ये ओमेगा क्या पहले ये ना आपको थोड़ा सर्कुलर मोशन में घुसना पड़ेगा ठीक है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सी इसको थोड़ा सा साइड में मैं जो स्पेस है यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं सर्कुलर मोशन की बात करूँगा सर्कुलर मोशन पे अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर भाग रहा है तो यहाँ पर जो आप टेंजेंट से ये डायरेक्शन दिखा रहे हो ये यह यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट पहुँच जाए तो टेंजेंशियली जो डायरेक्शन दिखा रहे हो ये बेसिकली होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगी राइट और आप जब भी v को r से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलती है ओमेगा ओमेगा क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी डैट इज आउटवर्ड इसके लिए सर्कुलर मोशन का बेसिक्स आपको आना चाहिए तो मैं अभी सिंपल से एक बात बोल रहा हूँ कि मुझे वो वेलोसिटी मिल जाए जो आर के परपेंडिकुलर हो तो उसमें वेलोसिटी और आर का यूज करके मैं ओमेगा बता सकता हूं ठीक है अब ना एक चीज जो समझने वाली वो ये है बच्चों की अगर यहां पर ये यह सर्कुलर मोशन है कुछ ऐसे पॉइंट ए पॉइंट बी या पॉइंट ए पॉइंट ए डैश और पॉइंट ए डबल डैश ये देखो क्या ये कुछ ऐसे घूम रहा होगा सिमिलरली पॉइंट बी पॉइंट बी डैश और पॉइंट बी डैश क्या विद द टाइम ये ऐसे घूम रहा होगा देखो इस रोड पर प्रेजेंट हर एक पॉइंट की ओमेगा की वैल्यू सेम होगी सभी ने टी टाइम के अंदर टू पाई एंगल स्वेप्ट करना है जब ये रोड घूमेगी तो सभी के सभी अगर मान लो रोड ने एंगल स्वेप्ट किया थर्टी डिग्री तो सभी के सभी पॉइंट थर्टी डिग्री विद द टाइम एंगल स्वेप्ट कर चुके हैं तो हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में हो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में हो तो उसका जो वेलोसिटी वी होता है ये हमेशा अलग अलग मिलेगा आपको क्योंकि वी का मतलब क्या है आर ओमेगा और आर की वैल्यू देखो ए के लिए आर की वैल्यू कम है और बी के लिए आर की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है अगर मैं बात करूँ ये एलिमेंट मैंने यहाँ पर एक्स दूरी पर बनाया तो इसकी वेलोसिटी वी है अगर इसी एलिमेंट को मैं थोड़ा सा दूर बनाता मैं यहाँ पर ड्रॉ करता तो इसकी वेलोसिटी पहले के कंपेरेटिवली बढ़ जाती क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ जाती राइट right? तो कंसेप्ट सिंपल सा है कि जब भी कोई रोड को आप घुमाओगे तो आप जो भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हो यहां पर इस बात का ध्यान रखना वो पहली चीज तो आर के परपेंडिकुलर हो मतलब सेंटर से जो आप डिस्टेंस ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर हो दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर अगर ये रोड रोटेट करेगी तो इस पर प्रेजेंट हर एक एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग है और ये वेलोसिटी अलग अलग होने की वजह से आपको पता ही है कि देखो यहाँ पर वो चीजें सेटिस्फाई हो रही जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताई थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जब भी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो और परपेंडिकुलर टू लेंथ हो उस केस में मोशनल मोशन मिल सकती है यहाँ पर जो वेलोसिटी है बच्चों यहां पर जो वेलोसिटी है यहां पर वेलोसिटी क्या लेंथ के परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल है अच्छा क्या यहां पर ये जो लेंथ है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बिल्कुल है राइट और क्या यहां पर ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए अब मैं यहां पर डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकता मैं डायरेक्टली आपको बोल दूं कि भाई ये बी एल भी लगा दो यहां पर नहीं वो गलत गलत होगी क्यों क्योंकि देखो इस एलिमेंट की वेलोसिटी अलग है अगर यहां पर एलिमेंट ड्रॉ करूँ इस एलिमेंट की वेलोसिटी अलग है राइट तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या कर रहा हूँ देखो यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि स्मॉल ई एम एफ इज इंड्यूस्ड स्मॉल ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन डीएक्स एलिमेंट तो डीई की वैल्यू क्या आ जाएगी क्योंकि ये वी परपेंडिकुलर पेंटिकुलर मोशनल एफ हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड भी लेंथ की जगह क्या आ जाएगा डीएक्स राइट right? और वेलोसिटी को मैं ले रहा हूं यहां पर भी, भी. तो यहाँ पर क्या जाएगा देखो डी इज इक्वल टू बी डी एक्स को क्या लिख सकता हूं स्मॉल क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहा हूं रोड की बात नहीं कर रहा हूं स्मॉल एलिमेंट में जो इंड्यूज आई वो कितनी आई डी इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स वेर ओमेगा इज वट एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड को मान के चल रहे कॉन्स्टेंट है, है कि मैं कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोड को घुमा रहा हूँ राइट लेकिन कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाने के बावजूद भी हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी ये बिल्कुल उस तरह से है कि मान लो अगर ये झूला होता जो बच्चा यहाँ पर होता उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती जो यहाँ पर होता उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती जो बिल्कुल सेंटर में बैठा होता उसके लिए कोई वेलोसिटी ना होती उसके लिए जीरो होता है क्योंकि वीज इक्वल टू आर पर पेंडिकुलर इन मेगा आर की वैल्यू जीरो तो सेंटर पे जो ऑब्जेक्ट खड़ा होगा या जो सेंटर पे जो भी पॉइंट होगा उसकी नेट वेलोसिटी क्या होती है जीरो अब आपको ये मिल गया जो स्मॉल ई इंड्यूस हुई इस एलिमेंट के अंदर वो कितनी आई बी ओमेगा एक्स डी ओमेगा सॉरी डी ओमेगा नहीं डी एक्स आएगा ना यहां पर डी एक्स आएगा राइट अब मुझे यहां से लेकर यहां तक जो रोड है कितनी लेंथ है इसकी एल मुझे यहां से लेकर यहां तक रोड में इंड्यूज होने वाली ई निकालनी है राइट right, तो वो कैसे निकाल सकता हूं मैं इंटीग्रेट कर दो डी ओमेगा डी ई का और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी जीरो से एल तो निकाल दो इसको लो जीरो से एल में इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसको तो कितना आया बी ओ मेगा एक्सडीएक्स जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो क्या आएगा ये बी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जीरो से एल और जब मैं इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा तो जो इंड्यूस इंडियोज एफ आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी बी ओमेगा मेगा एक्स स्क्वाय टू और लिमिट क्या चल रही है यहाँ पर जीरो से एल करके जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों को यह मिल जाएगा आपको बी एल स्क्र ओमेगा डिवाइड बाई टू दिस इज योर इंडियो ई एम एफ इन रोटेटिंग द रोड इफ आई एम रोटेटिंग द रोड लाइक दिस यू विल गेट इंड्यूज विच इज बी एल स्क्वेयर ओमेगा बाई टू यहां से जो हम कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है बच्चों यहां से कंक्लूजन ये आया कि जो इंड्यूज ई एम एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के जितना ज्यादा एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी उतना ज्यादा इंड्यूस e अगर आराम से घुमाओगे तो इंड्यूस एफ e कम होगा इंड्यूस इंडियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ जितनी लंबी रोड होगी उतनी ज्यादा इंड्यूस इंडियो इंड्यूस इंडियोजीएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इंड्यूस जीएमएफ e आ जाएगा राइट right? तो इस तरह से मैं इस एक्सप्रेशन को कर सकता हूं यूजिंग दिस कैलकुलस एक तरीका और भी जिससे आप इसको कर सकते हो पहले आप इसको नोट डाउन करो फिर मैं इसका एक और तरीका बताता हूं कि कैसे हम इसको दोबारा से मतलब एक और लॉजिकल वे से कर सकते हैं राइट तरीका भी है इंड्यूस निकालने का देखो जब ये रोड रोटेट होगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको ये इंटरसेप्ट करेगी उसको काटते तो हुए ऐसे आगे जाएगी तो यहां पर हम ये बोल देते हैं कि भाई इसने रोड ने रोटेट करते हुए किसी इंस्टेंट पर एंगल किया

तो अब एक चीज़ समझो जरा बच्चों जो इंड्यूज ई एम एफ आएगी वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से आएगी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फ्राइडेजिला जो इंडियूज होगी इंडियो ई एम एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा बच्चों डी फाइव बाई डी टी होगा राइट और इंडियो ई एम एफ अगर डी फाइव बाई डी टी है तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी और यहाँ पर क्या जाएगा बी एल स्कोर थीटा बाई मे टू अब एक बात बताओ रोड के रोटेट होने से इनमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है लेंथ तो यही रहेगी रोड की, की मैग्नेटिक फील्ड भी यही रहेगा वन बाय टू भी यही रहेगा हाँ टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है एंगल चेंज हो रहा है, है ना टाइम के साथ देखो तो यहाँ पर जो इंड्यूस जी एम एफ आएगी वो क्या आ जाएगी बी एल स्क्ट बाई टू डी थीटा बाय आपको पता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम क्या होता है ओमेगा तो इस तरह से जो यहाँ पर इस फॉर्मूले से रिजल्ट मिला आपको वो भी क्या मिल जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा सेम रिजल्ट मिल गया जो हमने अभी कैलकुलस से किया था दोनों ही तरीकों से आप चाहो तो सीबीएसई पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हो जो आपकी सीबीएसई बुक्स होगी उसमें मोस्टली ऐसा गिवन होगा ये एरिया ऑफ सेक्टर वाले कंसेप्ट से आप ऐसा चाहो तो ऐसा कर सकते हो ये थोड़ा सा ईजी है वैसा चाहो तो वैसा भी कर सकते हो वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज्यादा है ठीक है बच्चों तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन और ये भी आता है एक बार इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लो फिर मैं एक दो स्पेशल केसेस कराता हूँ बच्चों इसके तो बच्चों अगर किसी रोड को अबाउट इट सेंटर रोटेट किया जाए अगर अब तक मैं रोड को ऐसे घुमा रहा था ना इस तरह से इस पार्ट को फिक्स करके ऐसे घुमा रहा था अगर मैं सेंटर से रोटेट करूं तो क्वेश्चन राइजिस वट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी बी अल्टीमेटली आपसे पूछ लिया जाएगा कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आएगी राइट right? तो समझने की कोशिश करते हैं इसको जब मैं रोड को घुमाऊंगा बच्चों तो देखो मैं यहाँ से एल बाय टू के लिए मैं क्या काम कर रहा हूं या इसको ओ नाम दे रहा हूँ राइट अब मुझे समझ आ रहा है कि ये ये जो पार्ट है ना ये देखो ये ऐसे घूम रहे है। राइट अबाउट दिस एक्सिस ये घूम तो मैं यहाँ पर वो छोटा सा एलिमेंट कट कर लूंगा इस तरह से राइट और ये बोल दूंगा कि ये ये लेंथ कितनी है एक्स दूरी पर है और ये एलिमेंट कितना है डी एक्स है तो वही चीज ध्यान से देखो जरा जब ये घूमेगा तो यहां पर स्मॉल जो इंड्यूस इंड्यूज आएगी डी वो क्या होगी बी लेंथ एल की जगह क्या आ जाएगा यहां पर बच्चों एक्स सॉरी लेंथ की जगह क्या आ जाएगा डीएक्स और वी वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आर ओमेगा की जगह आ जाएगा यहां पर एक्स ओमेगा राइट तो जो डीई आया -E इस बार क्या है आपके पास बी एक्स ओमेगा डीएक्स अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसको अगर मैं ओ से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ओ से लेकर बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिले क्योंकि इस बार देखो ना अबाउट सेंटर घूम रहे तो इसलिए इस पार्ट का मैं अलग से इंटीग्रेशन करूंगा इस पार्ट का अलग से करूंगा यहां से यहाँ जीरो से एल नहीं ले सकता इस बार क्यों नहीं ले सकता क्योंकि रोड ऐसे नहीं घूम रही रोड अबाउट दिस सेंटर ऐसे एंगल चेंज कर रही है तो यहां पर ले लूंगा जीरो से एल बाई टू जब सोल्व करूंगा बच्चों तो देखे क्या आएगा ये बन जाएगा इंटीग्रेशन करके देखो बी ओमेगा बाहर एक्स स्क् राइट एक्स स्क्र बाय टू और जीरो से एल बाय टू अब एक्स की जगह अगर मैं एल बाय टू पुट कर दूं यहां पर तो क्या आएगा बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाय फोर इन टू में टू जब मैं सोल्व करूंगा इसको देख लेना तो आंसर क्या मिलेगा आपको वन बाय एट बी एल स्क्वायर ओमेगा राइट लेकिन ये इंड्यूस ये मे इतने पोर्शन में

इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो एल की वैल्यू यहा, जीरो तक क्या हो गई है एल बायू इस जगह तक तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस एट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ओ कितना है वन बाय एट बी एल स्कोय तो मैं इस बात को ऐसा भी लिख सकता हूं अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं मैं निकालना चाह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस एट ए माइनस O, क्योंकि देखो आपको है कि दो एंड्स के बीच में देखा जाते हैं, राइट मैं इन दो के बीच में देख चुका हूं तो यह आया है अब इन दो के बीच में क्या रहे? जैसे मैंने वहां पर किया बिल्कुल सेम चीज यहां पर होगी बच्चों यहां पर एलिमेंट एक, एक कट कर लो अगेन वो एक्स दूरी पर एलिमेंट लो जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी वन बाई एट बी एल स्क्वेयर होमेगा राइट अगर आप चाहते हो कि आप VB VA देखो तो आपको नहीं लगता कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है, उतना यहां पर है तो जब भी आप रोड को इस तरह से रोटेट करते हो तो जो एक्सट्रीम एंड होते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एट इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट बी राइट तो यानी कि दोनों दोनों की वैल्यू दोनो, सेम आएगी मैं ये बोल सकता हूं और आप यह भी बोल सकते हो कि अगर मैं वी बी माइनस वी ए करूंगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू दोनों का डिफरेंस जीरो बात समझने वाली है बच्चों राइट right? ये बात समझने वाली है अगर आप दोनों की वैल्यू को चेक करना चाहो तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है देखो सेम तरह का डिफरेंस मिल रहा है अगर आप इनको ऐड कर दोगे राइट आप इसको ऐड करोगे तो आपको पता लग जाएगा अब वी इक्वल्स टू वी बी है तो एंड ए से बी तक का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूँ तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे जीरो तो ऐसे पर्टिकुलर केस में आप ये चीज यहां पर लॉजिकली लगा सकते हो ठीक है अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं बच्चों सी अगर मैं आपको ये बोलू अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास बहुत सारी रोड्स है ये रोड का एंड है ए बी सिमिलरली ये रोड का एंड है बी सी ए बी हो चुका है सी डी राइट और मैं इसको सेंटर से घुमाना स्टार्ट कर रहा हूं इस एक्स को मतलब ये यहां पर ये यहां पर ये यहां पर और ये यहां पर मेरा क्वेश्चन ही बिल्कुल इजी है आप देखो आपके लिए अगर मैं बोलूं तो ये बात गलत तो नहीं होगी देखो मान लो कि ये एल बाई टू है ये लेंथ बाई टू है ये लेंथ भी बाई टू और ये लेंथ भी एल बाई टू है इससे मैं ये बात बोल सकता हूं कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वन बाय एट बी एल स्क्वेयर ओमेगा यहां पर कितना होगा वन बाय एट बी एल स्क्र ओमेगा यहां पर कितना होगा यहां पर कितना होगा वन बाय एट बी एल स्क्वेयर उमेगा यहां पर कितना होगा वन बाय एट बी एल स्क्वायर उमेगा राइट तो चाहे मैं जितनी मर्जी रोड्स यहां पर ऐसे कनेक्ट कर दूँ चाहे जितनी मर्जी रोड्स कनेक्ट कर दूँ तो हमेशा 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 राइट right? जितनी मर्जी रोड्स आप ऐसे कनेक्ट कर दो राइट right? और मान लो कि ऐसे कनेक्ट करते करते सी ऐसे रोड्स कनेक्ट करते करते मैंने एक डिस्क फॉर्मेशन कर दी यहां पर राइट right. और डिस्क पर बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए मैंने मान लो डिस्क पर मैंने क्या आ, कुछ ऐसे स्पाइक्स बना दिए कुछ कांटे बना दिए इनको भी फिर मैं नेमिंग करता हूं मान लो ये एक टायर है ये एक व्हील है राइट right. ये कुछ ऐसे मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर मैं नाम दो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी बीस यहाँ पर कांटेदार हमने क्या आ, स्पाइक्स बना दिए अब ये समझो तो ये कुछ ऐसा ही तो है। देखो यहाँ पर टोटल दस पेयर्स बन रहे होंगे कुछ ऐसे अगर मैं कनेक्ट करने लगूँ कुछ ऐसे मतलब कुछ इस तरह से अगर आप डिजाइनिंग करो एक व्हील बन जाएगा तो अब एक चीज समझने वाली है कि ये देखो आपको पता है कि यहाँ सभी पर इंड्यूस होने वाली एफ क्या सेम है से तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 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 और ये और ये ये आप, आपस में सभी क्या पैरल में है और पैरल में भी और एक तरह से यहां पर जो इंड्यूज है वो सब जगह सेम है पैरल में और इंड्यूज सेम है एक बार अपना कंसेप्ट समझो जरा जब भी हमारे सेल्स जब भी हमने सेल्स इन पैरल का कॉम्बिनेशन किया था सपोज ये ई ये ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मोल स्मोल आर याद करो रिजल्ट क्या था हमारा ई इक्वेलेंट रिजल्ट था ई वन प्लस ई टू ऐसा कुछ था ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन में ई वन प्लस ई टू इफ सेल्स आर आइडेंटिकल एंड देर आर टू सेल्स तो मैंने इसको क्या लिख दिया था मैंने लिख दिया था इसको ऊपर क्या बन जाएगा आर ई यहां पर क्या बन जाएगा आर ई यानी कि टू आर ई अपोन में टू ई जब मैं सोल्व कर रहा था बच्चों तो सोल्व करके यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास लेट राइट ई आर प्लस ई आर अपोन में ई प्लस ई टू ई हाँ अब देखो क्या बन रहा है यहां पर यहां पर जो आर सॉरी नीचे होता है आर वन प्लस आर टू इट्स माई मिस्टेक नीचे बन जाएगा टू आर राइट right. तो जो ई e इक्वलेंट मिला था आपको क्या मिला था ये टू से टू कैंसिल ऊपर ये बन जाएगा ना देखो टू ई आर अपॉन में टू आर राइट तो ई e, इक्वलेंट कितना मिला था आपको ई e मिला था यहां पर ठीक है अगर यहां पर ऐसे दस सेल्स भी पैरल में होते तब भी आपको जो इंड्यू जो नेट ई मिलता वो क्या मिलता ई यानी कि जब भी आपके पास सेल्स आइडेंटिकल सेल्स पैरल में होंगे अगर पचास आइडेंटिकल सेल पैरल में है तो उनका जो नेट ई एम एफ होगा वो भी क्या हमेशा ई होगा समझ पा रहे हो तो यहां पर अगर आपसे पूछूं मैं कि भाई यहां पर मैंने बीस की बजाय पचास पचास इस तरह से हमने क्या स्पाइक्स बना दिए तो नेट ई एम एफ कितना रहेगा नेट ई एम एफ हमेशा क्या रहेगा अगर ये वन बाय एट बी एल्स को है तो इस पूरे व्हील का हमेशा जो नेट ईमएफ रहेगा वो कह रहेगा वन बाय एट बी एल्स रोमेगा रहेगा इस बात को ध्यान रखना मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पर कि जो इंड्यूज ई एम एफ है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्पाइक्स ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि एनसीआर में एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं अगले लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा राइट वहां पर लिखा हुआ है कि स्पाइक्स बने हुए एक टायर के उपर, टायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो आपने वहां पर ऐसा नहीं करना बी ओमेगा को बारह से मल्टीप्लाई कर देना नहीं सीरीज कम्बिनेशन नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि ई की वैल्यू अलग अलग होगी यहाँ पैरल कॉम्बिनेशन है ठीक है ये 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 सभी आपस में क्या है पैरल में है और पैरल में अगर ई होगी तो सेम होगी और एक तरह से ये आइडेंटिकल सेल्स की तरह बिहेव करे यहां पर दो वोल्ट यहां 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 दो वोल्ट और ऐसे दो दो वोल्ट अगर पैरल में लगा दू तो नेट ईमएफ हमेशा क्या आएगा दो वोल्ट ही तो आएगा इसके लिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेल्स इन पैरल का टॉपिक देखना चाहिए ठीक है तो यही आपको मैं सजेस्ट करूंगा तो ये कुछ लॉजिक्स जो मैंने आपको बताया बहुत काम आएंगे बच्चों इससे आपका सीबीएसई में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा राइट तो इनको प्लीज लिख लेना कि अगर यहां पर मैं बहुत सारे स्पाइक्स बना या जितने मर्जी मैं वायर्स को कनेक्ट कर बीच में जो हमेशा वही रहेगी जो एक स्पाइक के है है पे doesn't depend कि क्या वाली है, राइट तो अभी पिछला लेक्चर भी थ्योरिटिकल था ये लेक्चर भी थियोरटिकल है तो न्यूमेरिकल कब कराओगे सर अब जो अगला लेक्चर आएगा बच्चों उसमें फ्राडेजिला पर वो खतरनाक न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा जो भी अब तक टेन इयर्स में आपको दिख रहे हैं या जो पूछे जा सकते हैं राइट तो अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम 10 से 15 न्यूमेरिकल्स करेंगे और ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रोंग कर देंगे तो मैं आपसे यही सजेशन आपको देना चाहूंगा कि प्लीज अगली वीडियो तक अगली वीडियो में बेशक मैं एक दिन का गैप डाल बेशक लेकिन अगली वीडियो तक अपने लेंजेस ला फ्राइडेज ला और जितना भी आप इस चैप्टर में कर चुके उसका नोट्स कंप्लीट कर लो ठीक है ताकि आपको क्या कोई प्रॉब्लम ना आए और हाँ जो बच्चे मेरी एकेडमी का पार्ट है जो मुझसे जुड़े हुए हैं आपको मैंने एक टेस्ट अनाउंस कर ही दिया कैपेसिटर तो कैपेसिटर टॉपिक कंप्लीट कर लो ताकि हम 27 अगस्त को एक हाफ सिलेबस डेडिकेटली टेस्ट को कंडक्ट कर सके और आप एक बार हाफ सिलेबस को रिकैप कर सको तो इसी के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं बच्चों सो so, मेरे इस चैनल पर बड़ी जल्दी छ सौ सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा कि एटलीस्ट एटलीस्ट अगर आप सिर्फ एक पर्सन सिर्फ दो लोगों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करा लेगा तो शायद विद इन वन डे या नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले मेरे चैनल पर छः सौ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे आप लोगों की ज़रूरत है मैं ये चाहता हूँ कि अगली वीडियो से पहले मेरे चैनल पर 600 सब्सक्राइबर हो जाए और एक बंदा दो सब्सक्राइबर बहुत ईजीली करवा सकता है घर में जितने भी फोन हो सब्सक्राइब का बटन दबा दो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल